अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक है 278 क्रिएटर। तो क्या हाल चाल। तो आज आपको सिखाऊंगा बड़ी ओपी एडिटिंग, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली पिक्चर आप दे सकते हैं, इसके बिफोर आफ्टर, ठीक है। ये कैसे कैसे पिक्चर हो गया, मैं आपको जो है ना ए टू जी समझाऊंगा कि ये पिक्चर कैसे एडिट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जो है ना इसे कैंसिल करते हैं, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। आपने आ जाना है एडिट वाले ऑप्शन में, ठीक है। सिंपल है, मुश्किल काम नहीं है, बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर देख लें तो इंशाल्लाह आपको वीडियो सारी, आपको फ़ोटो एडिटिंग जो है ना पूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है फ़िल्टर्स में। तो फ़िल्टर्स में काफ़ी सारे फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीवर्ड यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आप वीवर्ड यूज़ करें, बाद में जब प्रो हो जाएंगे कुछ भी यूज़ कर लें। तो आपको वीवर्ड, जस्ट वीवर्ड फ़िल्टर यूज़ करना है। उसके बाद आता है मैनुअल वाला ऑप्शन। तो मैनुअल वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको आ जाना है एक्सपोजर में। तो एक्सपोजर को आप माइनस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं से 30 तक ले गया हूँ, ठीक है। आप कहेंगे यार पिक्चर तो काली हो गया अभी, यार देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। तो आपको ब्रिलियंस को जो है ना बढ़ाना है, ठीक है। मैं ब्रिलियंस को ऐसे बढ़ाऊँगा, पूरा 100 कर दूँगा, ठीक है। क्या हो गया, हमारी पिक्चर में थोड़ी सी जो है ना टेक्स्चर ऐसे लाइट ऐड हो गया। तो इसके बाद आती है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स को मैं माइनस में लेके जाऊंगा अराउंड 50। तो मैं से अराउंड 50 ले जाऊंगा, ठीक है, जिससे बैकग्राउंड में जो लाइट है ना, ठीक है, वो हमें स्काई जो है ना ऐसे सही से येलो नज़र आए, ठीक है, ब्लू नज़र आए, अच्छा लगे। तो इसके बाद आता है शाडो। तो शाडो बेसिकली होता है आपका सब्जेक्ट, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी रोशनी मुझ पर पड़ी है वो शाडो है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शाडो को बढ़ाऊँगा, देखें ये, ठीक है जी। तो मैंने शाडो को बढ़ा लिया, और शाडो को बढ़ाने के बाद आपको आ जाना है कंट्रास्ट, ठीक है जी। कंट्रास्ट को आपने माइनस में लेके जाना है, ठीक है। मैं इसे अराउंड 70 रखूँगा, ठीक है। 70 आपको लगा कुछ ज़्यादा है, बाकी ज़्यादा नहीं है। इसका टेक्सचर गायब हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर गायब हो गया। तो आपको क्या करना है, ब्लैक वाले कलर में आ जाना है, ब्लैक, ठीक है। तो आपको इसे प्लस जो है ना ऐसे चेक करते करते अराउंड 30, ठीक है जी, अराउंड 30 काफ़ी है। थोड़ा सा शाडो कम कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाना है सैचुरेशन में। सैचुरेशन को आपको अराउंड 10 बढ़ा लेनी है, ठीक है जी। देखें बैकग्राउंड में, ठीक है, बड़ा से जो है ना ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू इफेक्ट सारा आ गया। तो उसके बाद आती है वाइब्रेंसी। तो वाइब्रेंसी को आपने अराउंड 50 बढ़ा लेना है, ठीक है। ये देखें मैंने इसे 50 तक बढ़ा लिया। और उसके बाद आपको जो वार्म टोन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मुझे इतनी पिक्चर अच्छी लग रही है, फिर भी मैं इसको आपको यूज़ बता देता हूँ ये होती क्या चीज़ है। तो वार्प में आप इसे माइनस में लेके जाएंगे तो ये पूरी पिक्चर ब्लू होगी, और अगर प्लस में लेके जाएंगे पूरी येलो हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा माइनस में लेके जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा माइनस में ले गया, ठीक है, अराउंड 15। तो उसके बाद आ जाता है टिंट। टिंट को आपने थोड़ा सा अराउंड 10 बढ़ा लें, ठीक है। ऐसे फेस पर रेड ना सारे खाते पीते घर के लगेंगे ना, तो ऐसे टिंट को जो है ना अराउंड 10 कर लिया। तो उसके बाद शार्पनेस, शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा लें यार, इससे पिक्चर में पिक्सल बड़े अच्छे आते हैं। दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, बड़े ओपी लेवल हैं। एक जो है ना बड़ा सॉफ्टवेयर भी ये चीज़ें नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, शार्पनेस को ऐसे बढ़ाना है, ठीक है, अराउंड 25 कर लें। उसके बाद डेफिनेशन को भी आपको बढ़ा लेना है, इससे क्या होगा पिक्चर में जो है ना डेफिनेशन आ जाएगी, ऐसे पिक्सल अच्छे हो जाएंगे। तो मैं ऐसे भी अराउंड 25 बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके नॉइस रिडक्शन को छोड़ दें आप, ठीक है, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं ऐसे नहीं बढ़ाऊँगा। तो आपको आ जाना है विग्नेट में। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लें अराउंड 30, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो है ना पिक्चर ओवरऑल कैसे एडिट हो चुकी है, ठीक है। मैंने जस्ट ये सेटिंग की है, ठीक है, 5 मिनट में जो है ना पूरी पिक्चर बन के तैयार हो गई है ए टू जी। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया। तो आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, आईफोन 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ठीक है, 9 तो है नहीं, सॉरी, तो जो है ना 15 भी आएगा, तो मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट ये बेसिक सीखना है, ठीक है। आप वीडियो देख लें, इसे सेव कर लें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।